गैप अप ओपनिंग होता है उन्नीस का हायर साइड पे हाई बन सकता है उन्नीस का लो बन सकता है टेस्ट हो सकता है मैं जब भी डिस्कस डिस्कशन करता हूँ तो मैं ह्यूज गैप अप ह्यूज गैप डाउन की बात नहीं करता हूँ आई ऑलवेज टॉक अबाउट बिट गैप अप ओपनिंग बिट गैप डाउन ओपनिंग यानी कि 25 30 पॉइंट नीचे खुलना या पच्चीस पच्चीस तीस पॉइंट ऊपर खुलना मार्केट सो नाओ बट <clears throat> unexpectedly market again surprisingly opened today huge gap up today huge gap up this this gap you can see here right so market uh, closed near 19750 30th november future i'm talking about and it opened today 19810 then it went up to 19900 and then uh, back again down 19,820, nearest 19,820 levels. So overall, overall, what we had discussed yesterday, we discussed yesterday, if you can see here. Yes, if you can see here, market outlook, market is bullish and follow buy on dip, salon on rise ka strategy. जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोल रहा हूँ अभी पिछले कुछ दिनों से कि अगर निफ्टी हंड्रेड पॉइंट प्रीवियस डे क्लोजिंग से या डे लो से हंड्रेड पॉइंट ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे आप बेझीजगहों के सेलिंग कर सकते हैं इतना भी बहुत ज़्यादा शार्प तेजी नहीं मार्केट में दिखाई दे रहा है अभी तो अगर आप यहाँ पे देखें उन्नीस आठ सौ के आसपास निफ्टी ने आ, क्लोज ओ, 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 ओपनिंग दिया और उसके बाद उन्नीस नौ सौ के पास मार्केट पहुँच गया लेकिन अगर यहाँ पे के आसपास सेलिंग किया जाता है सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी के साथ तो मार्केट यहाँ पे आराम से साठ सत्तर पॉइंट निफ्टी में कमाने का मौका दिया सो जो भी ये, ये जो स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं ये जो मैं एक्सेल में नोट डाउन करता हूँ बाय फॉलो बाय ऑन डीप एंड सेल ऑन राइज तो ये स्टिल कही कहीं ना कहीं कामयाब है स्टिल इट इज़ वर्किंग एंड वेरी परफेक्टली वर्किंग for the day trader only so if you are looking for the day trading in nifty if you are following these steps you can easily get 30 40 50 point in nifty index so now back to the uh, next, in, uh, next levels uh, of nifty लेट्स टॉक अबाउट दिस सबसे पहली अच्छी बात 200 हंड्रेड के ऊपर निफ्टी अभी भी टिका हुआ है स्टिल देन लॉन्ग टर्म मार्केट इज़ बुलिश 50 ई के ऊपर मार्केट बहुत अच्छा भला काम कर रहा है मार्केट शॉर्ट टर्म इज़ बुलिश इसमें कोई डाउट नहीं है सो डिस्पाइट ऑफ दिस बुलिशनेस मार्केट अगर आप डे ट्रेडिंग में देखेंगे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ही ऊपर जा रहा है सो दैट्स वाई आई एम फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज बाय डिप सेलॉन राइस राइट तो डे लो से अगर मार्केट हंड्रेड पॉइंट ऊपर चला जाता है वहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं डे हाई से अगर मार्केट हंड्रेड पॉइंट नीचे आता है तो बाइंग बना सकते हैं सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटी इन टूडे करंट सीनेरियो ऑफ द निफ्टी इंडेक्स एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट

वेट कीजिए मार्केट को थोड़ा और ऊपर आने दीजिए बिकॉज़ ये जो गैप अप ओपनिंग ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट इसको प्रिडिक्ट करना तो पॉसिबल है ही नहीं है बट द पॉइंट इज़ ये जो ह्यूज गैप अप ओपनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंड को चेंज कर देती है कम्प्लीटली चेंज कर देती है क्योंकि हमने अब कल का जो मेरा व्यू था मार्केट में आज की ट्रेडिंग को लेके वो मेरा था डाउन साइड पर बिकॉज मैं ये देख रहा था कि पिछले तीन दिन से कैंडल्स जो हैं निफ्टी की डे कैंडल वो हाई डाउन साइड पर बना रही थी लोअर साइड पर बनाती जा रही थी तो मुझे ये एक्सपेक्टेशंस थी अगर आज मार्केट नीचे खुल जाती तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा थोड़ा सा करेक्शन देती लेकिन वही हुआ जो आप सोचते हैं वो होता ही नहीं है तो मार्केट आज ह्यूज गैप अप खुला और उसके बाद मार्केट ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया हालांकि मार्केट इतना अच्छा ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया जितना खुला था उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया राइट चलिए आगे चलते हैं एफ की बात करते हैं एफ आई करोड़ का माइनस सेलिंग कैश सेगमेंट में और सात करोड़ का डी का बाइंग यहाँ पर कुछ भी ऐसा नोटिस करने वाला नहीं है जहाँ पे कि रुक के टाइम वेस्ट किया जाए ठीक है सो ग्लोबल क्यूज़ की बात करो अभी डाउजोन और नेस्डेक की स्थिति जो है वो माइनस में है फुटसी कैकटैक्स सब क्लोजिंग के आसपास ही फ्लैट फ्लैट से दिख रहे हैं कोई खास बात यहाँ से इंडेक्स में कुछ भी यहाँ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहा है कि डाउन साइड पर बाजार जाएगा या सेलिंग साइड पे बाजार जाएगा तो मैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अभी ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट जो है ना कल मिक्सअप सा रहेगा मिक्सअप का मतलब क्या है लेट्स लेट्स वी टॉक इन डिटेल्स सबसे पहले उन्नीस नौ सौ का हाई बना उन्नीस आठ सौ के पास का लो बना आज निफ्टी में उन्नीस आठ सौ चालीस के पास का क्लोजिंग दिया वॉल्यूम में तीन परसेंट की बढ़ोतरी आई है अच्छी बात है पिछली क्लोजिंग से ऊपर भी क्लोजिंग दिया मार्केट ने राइट right? और डे हाई की बात प्रीवियस डे हाई की बात करूँ तो उसको भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया सो ओपन इंटरेस्ट की बात करें आ, आधा परसेंट के आसपास जो है पॉजिटिव दिखाई दिया है कुछ खास बात नहीं है यहाँ पे लेकिन अगर मैं वॉल्यूम्स देखूँ प्राइसिस की मूवमेंट देखूँ अगर मार्केट कल यूज गैप अप फिर से खुलता है देन इट गोज़ अप अदरवाइज मार्केट जो है कल प्रीवियस डे हाई लो पे काम करवाएगा दोस्तों प्रीवियस डे हाई लो स्ट्रेटजी बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है काम करने के लिए और ये हर हफ्ते दो से तीन दो ट्रेडिंग सेशन तो आपको गारंटी से हर जगह पे मिल जाएंगे देखने को इसके ऊपर मैंने दो तीन वीडियोस भी बनाई हुई हैं और उसमें मैंने प्रैक्टिकली जो है लाइव इवेंट के साथ भी दिखाया हुआ है एनी अगर आपको प्रीवियस डे हाई लो स्ट्रेटजी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टैग कीजिए आई विल अगेन शेयर विद यू द एग्जिस्टिंग वीडियो लिंक एज़ वेल एज अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा वो फिर से वो उस स्ट्रेटजी को रिपीट करूं, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो एज ऑफ नाउ मार्केट इज़ बुलिश लुकिंग बुलिश इसमें कोई डाउट नहीं है बट डिस्पाइट ऑफ दिस ट्रेंड मैं फिर भी ये फॉलो करूँगा बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के लिए तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है कल 22 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में तो क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट देखिए गैप डाउन खुला उन्नीस की क्लोजिंग है उन्नीस खुलता है इनकेस तो हायर साइड पे मैं मान के चलता हूँ उन्नीस नौ सौ का लेवल अगेन और डाउन साइड पे मैं मान के चलता हूँ उन्नीस सात सौ नब्बे का लेवल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो तब भी उन्नीस नौ सौ के आसपास का लेवल उन्नीस सौ के आसपास का लेवल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है देन अगेन So um, I'm not here. Uh, I'm not discussing here about huge gap up or huge gap down uh, Nifty trading uh, points. I'm just talking about bit gap up, bit gap down, or open flat market. Okay. So these these are my views for tra uh, tomorrow trading session. Let's uh, we will connect again definitely tomorrow evening session and. We'll discuss further market uh, sentiments. We will uh, definitely track all uh, indicators as we are tracking right now. Uh, open interest, volume, FI, RSI index. So <coughs> basically, these indicators always help us to identify the technical levels. So thank you so much. कीप लर्निंग कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और अगर आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा अगर आपको वो स्ट्रैटी समझना है वाकई में प्रीवियस डे हाई लो वाला स्ट्रैटी वाला तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टैक कीजिए थैंक यू